changes in the physical change only. Physical properties of a substance change. फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आ जाती हैं चीजें? कलर, साइज, शेप, ठीक है, स्टेट हो सकती है, जैसे आइस टू वाटर, वाटर टू गैस, ठीक है. तो ऐसे आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज कर सकती हैं. एंड व्हाट अबाउट द केमिकल चेंज? बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दे चेंज. So physical changes, they are reversible changes, you can easily reverse them. And chemical changes, they are, you can't reverse them. Okay, if this is reversible, that means this change is temporary nature. And if it is not reversible, then that means it is permanent in nature. Okay. Here no new substances form. ठीक है, जो substance थी वही रहती है. And here a new substance is formed with the different properties. Okay, with all the changed properties. And what about the energy change? There is no energy change associated with it. ठीक है, यहाँ पर कोई एनर्जी का चेंज नहीं होता है. और यहाँ पर एनर्जी इज आइदर इवॉल्व और एब्जॉर्ब इन दिस प्रोसेस. ठीक है, यहाँ एब्जॉर्ब होती है या इवॉल्व होती है. ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ आइस. सॉरी, ओके, आइडेंटिटीज वो हमने बात कर ली है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, स्टेट्स की. ठीक है, एनर्जी चेंज हो जाएगा तो मास भी चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप. ठीक है, कटिंग ऑफ पेपर. और पहले फिजिकल चेंजेस बताओ, कटिंग, कटिंग ऑफ पेपर, melting of candle, or cut करी जा रहे हो, और कुछ बताओ. okay, vaporization of water, clay modeling, stretching a rubber band, stretching a spring, ठीक है, making the dough, okay, और मेकिंग चपाती फ्रॉम द डो. तो ये सारी चीजें जो है वो किस में आ जाएंगी? फिजिकल चेंजेस में आ जाएंगी. एंड कमिंग टू द केमिकल चेंजेस, बर्निंग ऑफ द सब्सटेंसेस, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ पेपर, फॉसिल फ्यूल्स. कटिंग ऑफ पेपर इज अ फिजिकल चेंज. ठीक है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जो आ रहा है, दैट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज. लिबरेशन ऑफ गैसेस, ठीक है, from milk to curd, that is also the chemical change. Respiration, digestion, photosynthesis, ये सारे changes भी कौन से हैं? Chemical changes. Fading of clothes, हाँ आप ले सकते हो. ठीक है जी, कौन सा? litmus paper, तो वो दोबारा नहीं आएगा ना, तो डेट इज अ केमिकल चेंज. ठीक है, दोबारा आपको वही फिल्टर की स्ट्रिप जो है सेम कलर की नहीं मिलती है, वो चेंज हो जाता है ना, डेट इज अ केमिकल चेंज. ओके, चलिए ठीक है बेटा. अब आपने कोलाइड्स वाला कहा था एक टेबल दोबारा करने को. ठीक है, कुकिंग इज अ केमिकल चेंज. कोई चीज बन चुकी है, ठीक है, किसी चीज को आपने कन्वर्ट कर लिया है, डेट इज अ केमिकल चेंज. ठीक है, cooking of vegetables or anything, it is a chemical change. क्योंकि आप वो दोबारा चीज नहीं ले सकते. जैसे पेपर है, पेपर को मैंने टियर कर दिया, बट है तो पेपर ही. ठीक है, आफ्टर कुकिंग आपके पास रॉ चीज तो नहीं बचेगी, इट विल बी अ कुक्ड वन नाउ.
डाइजेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो केमिकल चेंज. फूड टूट गया, डाइजेस्ट हो गया, ठीक है आपकी बॉडी में, राइट. चलिए लेट्स ड्रॉ द टेबल फॉर द कोलाइडल सॉल्यूशंस. सबसे पहले लिखते हैं डिस्पर्स्ड फेस. Then is dispersion medium. Then is collide. कौन सा collide है वो? And then is their exam. Okay. So let's firstly start with the aerosols. जहां पर मैंने आपको arrow का मतलब क्या बताया हुआ है? एयर, ठीक है. तो यानी कि हम एयर के पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं. वेयर एरो मींस एयर, ओके. अब एयर में हम एग्जांपल ले लेते हैं फॉग, मिस्ट एंड क्लाउड. फॉग, मिस्ट और क्लाउड, इनमें क्या होता है एयर के साथ साथ? वाटर वेपर्स होते हैं. डिस्पर्जन मीडियम कौन सा होगा? डिस्पर्जन फेस कौन सा होगा? मीडियम इट विल बी प्रेजेंट इन मोर अमाउंट, फेस मीन्स इट इज प्रेजेंट इन द लेस अमाउंट, ठीक है. तो ज्यादा क्या है इसमें? ज्यादा गैस है, तो इट विल बी एयर और यू कैन से गैस. डिस्पर्स्ड फेस, कम क्या है इसमें? वॉटर. वॉटर किस स्टेट में आता है? ठीक है जी. तो ये सबसे पहली टाइप हो गई, ओके. अब उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. अगेन सेकंड एग्जांपल इज आल्सो एरोसोल्स, दैट मींस हम एयर की ही बात करेंगे. एरो का मतलब अगेन एयर है, तो यानी कि ये चीज तो सेम बनेगी. डिस्पर्जन मीडियम इज सेम. अब इसमें हम बात कर लेते हैं. हाँ जी, क्या एरोसोल? दोनों एरोसोल्स हैं, ठीक है. इसमें हम बात करते हैं स्मोक, डस्ट, स्ट्रॉम एंड ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट. डिपेंडिंग ऑन द एग्जांपल्स वी विल डिसाइड डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम कैसा है. अब गैस हो गई, गैस में स्मोक और डस्ट कैसे होते हैं, किस स्टेट में होते हैं? सॉलिड स्टेट में होते हैं ना, तो यहां पर आ जाएगा, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करें. लेट्स टेक द थर्ड एग्जांपल ऑफ फोम. थर्ड एग्जांपल लेते हैं फोम, जिसमें आई विल बी टेकिंग द एग्जांपल्स ऑफ सोडा वाटर एंड शेविंग क्रीम. अब सोडा वाटर इमेजिन करो अपने माइंड में. इमेजिन सोडा वाटर इन योर माइंड. कोक इमेजिन कर लो. कोक में ज्यादा क्या है? लिक्विड ज्यादा है, ठीक है. कोक में क्या ज्यादा है? पानी ज्यादा ना. गैस तो ना पीते हैं हम ज्यादा, हम पानी ज्यादा पीते हैं ना, ओके. और कम क्या है उसमें? ओके, हो गया. नेक्स्ट एग्जांपल, अगेन वी विल बी टेकिंग द एग्जांपल ऑफ फोम, बट यहां पर हम रबर फोम की बात करेंगे, स्पॉन्ज की बात करेंगे. देयर इज अ स्टोन कॉल्ड प्यूमाइस स्टोन, जिसमें एयर पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, ठीक है. रबर, प्यूमाइस, स्पॉन्ज. अब मैंने बोल ही दिया है एयर पार्टिकल्स हैं, यानी कि एक फेस हमारा एयर होगा और दूसरा क्या होगा? सॉलिड. अब रबर है, फॉर्म है. फॉर्म इमेजिन करो, हाथ में किस स्टेट में लेते हो? यानी कि ज्यादा फेस कौन सा होगा उसमें? सॉलिड ज्यादा होगा. और कम क्या होगा उसमें? एयर, दैट इज गैस, ठीक है जी. बट हम यहाँ पर स्टेट्स लिख रहे हैं ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अगर आपसे उस चीज के कंपोनेंट्स पूछे होते हैं, तो फिर आप लिख देते हैं. जैसे स्मोक, इसके स्मोक के आप लिख लेते हैं कि उसमें जो हार्मफुल गैसेस हैं, गैसेस के साथ साथ जो SPM हो गए, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स हो गए, ठीक है. ऐसी चीजें आप मेंशन कर सकते थे अगर कंपोनेंट्स पूछे हैं. यहाँ पे तो हम स्टेट्स ही लिख रहे हैं बस, ओके. कमिंग टू द नेक्स्ट,
जेल, जेल में आ जाती हैं, जेली, जेली के साथ साथ चीज बटर, वेरी गुड, चीज बटर एंड कर्ड। जेली किस स्टेट में होती है, यानी कि कौन सा यहाँ पर ज्यादा होगा, और उसमें क्या क्या होता है, थोड़ा सा लिक्विड होता है, पानी होता है ना, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, एमल्शन। बेटा आपको कुछ भी पूछ सकते हैं इन चारों में से, अगर आपको डिस्पर्स फेज डिस्पर्शन मीडियम पूछ सकते हैं, कोलाइड गिवन हो सकता है कि इसका डिस्पर्स फेज डिस्पर्शन मीडियम कौन सा है, एग्जांपल्स पूछ सकते हैं, कोई एग्जांपल दे के उसका कोलाइड का टाइप पूछ सकते हैं, और ये दोनों चीजें पूछ सकते हैं इस चार्ट में से, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन है एमसीक्यूज के, ठीक है, बहुत अच्छे एमसीक्यूज के इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट एमल्शंस। एमल्शन में बेस्ट एग्जांपल है मिल्क, फेस क्रीम एंड मेडिसिन, ठीक है, मिल्क, फेस क्रीम, ठीक है, मेडिसिन एंड पेंट्स। तो हेयर मिल्क किस फॉर्म में होता है, लिक्विड, यानी कि डिस्पर्शन मीडियम क्या होगा इसमें, एंड द कंटेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन इट दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट, ठीक है, मिक्स्ड होते हैं ना दोनों एक दूसरे में, सो द एमल्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड लिक्विड एमल्शन क्लोराइड, ठीक है। पेंट्स में बेसिकली आपका वाटर ऐड होता है, एमल्सीफायर्स होते हैं, कलरिंग एजेंट्स यूज होते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं, ऑयल्स हो गए, एमल्सीफायर्स की तरह काम करते हैं ऑयल्स, हाँ जी। आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स कंसिडर कर सकते हो बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द पेंट्स, कि वो कैसे हैं, उनकी कॉम्पोजिशन कैसी है, अगर तो वो सेपरेट सेपरेट बिहेव कर रहे हैं या उसमें कोई सॉलिड चीज ऐसी डाली हुई है तो वो अलग कैटेगरी में चला जाता है, ठीक है, यहाँ पर हम दोनों लिक्विड लिक्विड कॉम्पोनेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। राइट डाउन द नेक्स्ट इज सोल, राइट डाउन द नेक्स्ट इज सोल, अब सोल में हम एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ मड, देखी हुई है आप सबने, क्या ज्यादा होता है उसमें, सॉलिड ज्यादा होता है, और दूसरा स्टेट कौन सी होती है उसमें, और एग्जांपल्स हो सकती हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, हाँ जी, व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेटा, दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है, दैट इज यूज्ड एक्चुअली एज द एंटासिड, एसिडिटी से रिलीव करने में हेल्प करता है, ठीक है, और आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो गोल्ड सोल, गोल्ड सोल, ठीक है जी, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट इज सॉलिड सोल, अब बात ही कर दी हमने सॉलिड की, यानी कि एक तो सॉलिड था ही, दूसरा कॉम्पोनेंट भी क्या हो जाएगा, सॉलिड सॉलिड में क्या आ जाते हैं, एलॉयज, जेम स्टोन्स, ग्लास, डायमंड, ओके, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। बेटा गोल्ड सोल ही जो है वो गोल्ड से बनती है, जिसमें हम सॉलिड जो है वो गोल्ड लेते हैं, उसका एक सोल प्रिपेयर करते हैं, मिक्सचर प्रिपेयर करते हैं, हैविंग द वाटर एज अ डिस्पर्स्ड बेस, ठीक है। नहीं आपको असाइनमेंट भेजी है मैंने, यू हैव टू डू दैट एंड यू हैव टू सेंड दैट, ठीक है। अच्छा वैसे वर्बली बता दो, नेम द मेथड यूज्ड टू सेपरेट
एल्कोहल एंड वाटर, एल्कोहल एंड वाटर, डिस्टिलेशन, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड, सब्लिमेशन. ठीक है, क्लासिफाई द चेंजेस, यू हैव टू क्लासिफाई द चेंजेस. कटिंग ऑफ ग्रास, वेरी गुड, फिजिकल चेंज. इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द वॉटर, और प्रोडक्ट्स क्या आएंगे आपके पास, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट इज बेटा, what type of mixtures are separated by the technique of crystallization? कौन से हम मिक्सचर जो है वो सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? इम्प्योर सैंपल्स हो गए, और तो ऐसी सब्सटेंसेस दैट आर एक्चुअली डिसॉल्वेबल इन वाटर, जो चीजें पानी में डिसॉल्व कर जाती हैं या सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर जाती हैं, प्लस व्हेन दे रीच देयर सैचुरेशन स्टेज, जब आप उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर कर देते हो, एट दैट स्टेज मीटिंग देयर क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट, दे विल बी गिविंग यू द क्रिस्टल्स ऑफ दैट सब्सटेंस. ठीक है, तो ऐसे मिक्सचर जो है हम क्रिस्टलाइजेशन से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. ओके, which techniques will you apply for the separation of small pieces of metal in the engine oil of a car? Oil mein magnetic separation hogi. Metal heavy hota hai to filter kar lo. Theek hai, to filtration. Different pigments from the extract of flower, chromatograph. Theek hai,